नए नए जगह जाएंगे और अबेंडन प्लेसेस, फोर्ट्स, जैसे कि आज हम लोग आए हैं, ये सेवड़ी फोर्ट है। यहाँ पे भी ये एक्चुअली 16th सेंचुरी का फोर्ट है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, बट अभी कंडीशन यहाँ का इतना खास नहीं है, ना कोई नहीं है, हम दो ही जन हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी सन्नाटा है। और तो और क्यों नहीं आते हैं लोग, ये देखो शाहीन ब्रो, ये पाकिस्तान वाला शाहीन नहीं है, ये शाहीन अफरीदी, ये इंडियन ही बंदा है। और देखो इंडियन फोर्ट्स के हालत, पूरे वॉल्स पे यही सिचुएशन है, पूरे किले पे यही हालत है, कहीं पे भी। फोर्ट बहुत मस्त है। इंडियन गवर्नमेंट ने या महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिसके भी अंडर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता होगा ये फोर्ट, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक गेट मेरे हिसाब से रखना चाहिए। पहले तो इसका मेंटेनेंस करो और यहाँ पे एक 10 रुपीज़ चार्ज रखो, 5 रुपीज़ चार्ज रखो, इसको एज अ टूरिज़म प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जूना किला है। प्लास्टरिंग अभी हुआ है, थोड़ा रिनोवेशन हुआ है, लेकिन ये फोर्ट है, मतलब प्लेस अच्छा, मतलब घूम सकते हो। यहाँ से व्यू भी है पूरा, यहाँ पे आओ दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये ट्रांस हार्बर लाइन जा रही है, ये जो लाइन है ये ट्रांस हार्बर वाली लाइन है, तो ये जाएगी सीधा मुंबई से कनेक्ट हो रही है नवी मुंबई के उरण JNPT पोर्ट पे। तो अभी तो पॉल्यूशन है, तो वो पॉल्यूशन के वजह से इतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा समुद्र, लेकिन ये पूरा व्यू अच्छा है। तो ये सब यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, लोगों के लिए रिक्रिएशनल, क्योंकि ये फोर्ट पड़ा है, वेस्ट ही हो रहा है, जगह भी वेस्ट हो रहा है, और जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है उसका भी कुछ यूज़ नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। चलो अब हम लोग ये फोर्ट पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्चुअली ये फोर्ट जो बनाया था ब्रिटिशर्स ने, ये एज अ वॉच टावर यूज़ करने के लिए मुंबई में उन्होंने बनाया था 1680s में शायद। तो उस टाइम का ये फोर्ट है, उतना ज़्यादा ये नहीं है, बट क्या है कि पूरा कोई नहीं है, पूरे जगह पे कोई नहीं है, 2-3 जन हैं हम लोग, और ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, विज़िट कर रहा हूँ, कर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर्स है, हम लोग कोशिश करेंगे टॉप पे भी जाके उधर से व्यू दिखाने की, अभी तो यहाँ से नीचे से ही है। ऐसे 4 स्ट्रक्चर है, ये जो प्लास्टरिंग है ये लेटेस्ट अपने ही गवर्नमेंट ने किया, इसलिए इतना आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो जूना नहीं है, बट ये है जूना। तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से देखते हैं व्यू कैसा है। मुझे नहीं लगता यहाँ का फुटफॉल महीने का 100 भी होगा, मुश्किल है। बिल्कुल ही सन्नाटा, बिल्कुल भी शांत प्लेस, कोई नहीं है। शाम को तो आना भी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना शाम को। आना होगा तो मतलब रात को नहीं आना, 6-7 के बाद। और ये अपना दोस्त है आशीष साबले, जो भी एक ब्लॉगर है, फैशन ब्लॉगर है, लाइफस्टाइल ब्लॉगर। तो हाँ, हम ये इस पे थे कि यहाँ पे आना तो आप 7 o'clock से 6 o'clock से पहले आना, अंधेरे से पहले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पे और कोई आता नहीं है, तो सेफ़ नहीं होगा ज़्यादा रात को आना यहाँ पे। बाकी मुझे लगता है कि आप समर में आओगे यहाँ पे या रेनी सीज़न में तो आपको बेस्ट व्यू मिलेगा, यहाँ से बेस्ट व्यू एकदम। यहाँ से देखो, आपको दिखाता हूँ मैं सीन, व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। आप देखो वहाँ पे पूरा मैनग्रोव है, वो पूरा मैनग्रोव है। अभी फॉगी और पॉल्यूशन के जैसे दिख नहीं रहा है, पूरा धुंध छाया हुआ है, एकदम ब्लर दिख रहा है मुझे खुद नेकेड आइज से, तो कैमरे में कैसा दिख रहा होगा आई डोंट नो। तो ये पूरा ब्लर है, ये पूरा मैनग्रोव है पूरा। यहाँ से ये ऐसे जाके ये जाने वाला है जेएनपीटी, और ये हमारा यहाँ से फोर्ट। तो शाम के टाइम पे यहाँ पे से व्यू अच्छा आएगा, आपको ज़रूरी यहाँ पे विज़िट करना चाहिए आपको एक बार। तो हेलो गाइस, वापस कुछ चीज़ें बताना था मैं आपको इस फोर्ट के बारे में। एक्चुअली ये फोर्ट जो है ये ब्रिटिशर्स ने ये ऑक्यूपाई करके रखा था कुछ सालों तक, लेकिन ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनका और मुग़लों का इतना जमता नहीं था, तो कंटिन्यूस अटैक्स होते थे। तो सिद्दीस करके थे उनके पार्टनर्स थे एक्चुअली मुगल्स के, तो उन्होंने क्या किया था, एक बार अटैक किया एक्चुअली मुगल्स ने। हम लोग अभी एक नए इसमें जा रहे हैं डोम स्ट्रक्चर में, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, अंधेरा बहुत है इधर पे। तो तो मुझे ये बोलना था कि मुगलों ने, मुगल की तरफ से सिद्दीस ने अटैक किया था 20,000 सेना लेके, जो कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे डिप्लॉय किए थे। वो सिर्फ और सिर्फ 50 सिपाही थे और एक सूबेदार था, तो उतने सेना पे 20,000 लोगों ने अटैक किया था। तो अटैक करने के बाद ये उन्होंने जीत लिया, ठीक है, ये किला उन्होंने जीत लिया। और ये किले के साथ उन्होंने यहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया। इस किले को ऐसा बनाया गया है कि मेन एंट्रेंस का जो ये है, मेन एंट्रेंस के बाद सब जितने भी गेट्स हैं, जितने भी दरवाजे हैं, सब परपेंडिकुलर है, ताकि अटैक मतलब डिफ़िकल्ट हो जाए। क्योंकि समझो ये जैसे कि ये है, ये यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे कोई छुप के खड़ा रहेगा, जैसे आएगा ये अटैक इसका ये हो जाए। तो ऐसे सब ऐसे ही है, सब परपेंडिकुलर है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो वो जो देखो ये भी ऐसे है, परपेंडिकुलर है। वो मेन एंट्रेंस ऐसा है और ये वाला ऐसा है, तो सब के सब ऐसे ही हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर है सब के सब दरवाजे, सब एंट्रेंस। ये देखो, ये देखो यहाँ पे आदमी छुप के वार कर सकता है यहाँ से जो आएगा उसके, तो ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। तो गवर्नमेंट का अभी प्लान एक्चुअली इसको एज अ गवर्नमेंट ने, हाँ, तो मुगलों ने इसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जीत लिया, इसको यूज़ किया। मतलब उसके बाद इन्होंने एक्वायर कर लिया मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से, फिर उसको बहुत साल तक यूज़ किया फोर्टिफिकेशन के लिए। 1772 में शायद पोर्चुगीज़ ने वापस अटैक करने के लिए, लेकिन वो उस टाइम पे हार गए वो लोग। तो यहाँ पे 10 तोपें भी थी, अभी नहीं है, पता नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये भी दिया हुआ है। तो शायद 10 11 ये भी तोपें भी थी यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये कि जब गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, तो पोर्ट इंडिया जो है हमारा बीपीटी, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, उन्होंने इसको एज अ ये भी यूज़ किया है, मतलब एज अ बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का स्टोरेज रखने के लिए, सामान रखने के लिए। तो अभी तो गवर्नमेंट का प्लान है कि यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया जाए, क्योंकि 3 साइड से लैंड लॉक्ड है, 3 तरफ से ज़मीनें हैं, और एक तरफ आपको दिखा दिया मैंने मुंबई का जो शोर है, जो समुद्र है वो है, तो वो चीज़ है। तो अभी गवर्नमेंट का प्लान है एक्चुअली 2008 में ये प्लान था, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अभी पता नहीं क्या है। अभी प्लान वो सैंक्शन है कि होल्ड पे है, बट ऐसा प्लान था उस टाइम पे कि ये जो सी शोर साइड है वहाँ पे ऑर्निथोलॉजी के लिए कुछ बनाया जाए, प्रोमनेड बनाया जाए, और इसको थोड़ा सा यूज़ करके टूरिज़म यहाँ पे बढ़ाया जाए। तो ये हमारा ऐसे यहाँ पे डोम स्ट्रक्चर है 2, और यहाँ पे ना मोस्टली हेक्सागन में ये रूम, यहाँ पे एक ये है, देखो यहाँ पे अंदर जा रहे हैं हम लोग, फिर से याद कर रहे हैं, देखो तो हाँ, तो मैं हम लोग उस पे थे कि ये किले को एज अ क्या क्या यूज़ किया हुआ है। तो आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी जब चली गई, अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, तो इसको गवर्नमेंट ने एज अ गोडाउन भी यूज़ किया है, बीपीटी ने एज अ गोडाउन यूज़ किया है, और गवर्नमेंट का प्लान एज अ म्यूज़ियम, बट इसको एज अ जेल भी यूज़ किया गया, ये भी बोलता हूँ आपको, या इसको एज अ जेल भी यूज़ किया गया, क्योंकि स्पेस तो है, रूम्स भी है, और तकलीफ ही देना तो ये जगह अच्छी है। तो अभी तो गाइस मुझे लगता है कि आप लोग ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा वीडियो मेरे साथ। तो अगर ऐसे ही कंटेंट्स आपको चाहिए, ऐसे ही वीडियोस आपको अगर चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, जिससे, और अगर कुछ कमी रह गई होगी वीडियो में तो भी मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो, बिकॉज आई एम रेडी टू इम्प्रूव, बट आई विल कंटिन्यूसली एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। तो लेकिन आपको लाइक, शेयर, कमेंट तो ज़रूर करना, इससे मुझे समझेगा कि वीडियो सही बन रहे हैं, कंटेंट सही है या नहीं है, एंटरटेनिंग है या नहीं है, आप लोग के ऊपर है, ये आपको ही बताना है, ठीक है। तो अभी वीडियो एंड करने का टाइम आ गया। ये जो प्लेस है यही प्रोमेनेड जो है डिसाइडेड किया था गवर्नमेंट ने। देखो ये वॉल पूरे टूट चुकी है, दिख रहा है। तो अभी देखो पूरा थोड़ा सा फॉग क्लियर हुआ है, मैं दिखाऊँगा आपको, ये देखो थोड़ा सा क्लियर हुआ है वेदर। ये वॉल यहाँ से देखो ये टूट चुकी है, यहाँ पे मड था, अभी पानी आ गया है। हाई टाइड आता है दिन में एक्चुअली 2 बार, और 2 बार लो टाइड आता है। थोड़ा यहाँ पे कीचड़ था, यहाँ पे फ्लैमिंगोज के लिए आते हैं लोग। तो यहाँ पे सिर्फ किला नहीं है सिवड़ी में, मैनग्रोव का भी, वहाँ भी जाएंगे हम लोग, बट अभी नहीं, जब फ्लैमिंगोज का सीज़न आएगा तब हम वहाँ जाएंगे फ्लैमिंगो देखने के लिए, अभी तो नहीं है, उसके लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, चलो बाय बाय।